बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के दस्तखान में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी की डी रेसिपी में हम बना रहे हैं वनीला मार्बल केक, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। केक को बनाने के लिए यहाँ पर हमने जूसर जग लिया है, उसमें हम डालेंगे जी 2 अंडे, 1/2 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल है जिसमें आप खाना बनाते हैं, 1 कप चीनी और 1/2 कप ही इसमें हम दूध का शामिल करें। वन टीस्पून हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस और अब हम इन तमाम चीजों को ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है जी। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया था जिसको हमने छान लिया था, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लिक्विड को इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमने तमाम लिक्विड इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये बैटर हमारा केक का तैयार हो गया है। अब हमने एक और छोटे साइज का बाउल लेना है और उसमें हमने 1/2 बैटर इस छोटे बाउल में हमने डाल देना है। अब हम इसमें 1/2 बैटर को हमने एक और बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ही वाटर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर भी तैयार हो गया है। अब हम केक मोल्ड लेंगे और उसमें इस बैटर को डाल देंगे। केक मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब सबसे पहले हम डालेंगे व्हाइट केक बैटर, उसके बाद हम डालेंगे कोको पाउडर वाला। बस इसी तरह हम डालते जाएंगे। तमाम बैटर जो है वो मैंने डाल दिया है और हमने 2 टेबलस्पून करके बैटर डाले थे दोनों। अब मैं इनके ऊपर एक अच्छा सा डिजाइन बना दूंगी। टूथपिक की मदद से आप बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको हल्का सा टैप करूंगी और 180 प्री हीट डिग्री ओवन में हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए हैं जी, केक हमारा रेडी है। अब हम इसको बेक लेंगे। ये देखिए शानदार केक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम इस स्लाइस काट कर आपको दिखाएंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब हम आपको काट के दिखाते हैं केक का स्लाइस। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर बनी है और कितना ये स्पंजी केक हमारा तैयार हुआ है। आप लोग भी इस केक को ज़रूर बनाइएगा। आप इस केक को चाय कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को मिल्क के साथ सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी है तो इसको फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए। फिर मिलेंगे आपसे एक मज़ेदार और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.